सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल इलेक्शन का माहौल है, जीएचएमसी का इलेक्शन चल रहा है। ऐसे माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी प्लानिंग आपको बता रहे हैं, मगर साथ में ही हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं, और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से कॉम्युनल इशू, दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर गलत चीज का पब्लिसिटी हो, ट्विटर में कुछ पुरानी चीजों को मॉर्फ करके डालने का बात हो, या फॉल्स न्यूज, प्रोपगांडा, इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनो चैन है उसको वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है। हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे, और किसी भी हालत में इस तरह के कम्युनल लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे, जिससे कोर्ट में उनको सजा मिले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपगांडा अगर आप देखते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिए। आप पहले पुलिस से बात करिए। इस तरह के कम्युनल लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है, और अगर जरूरत हुआ तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहत हम चंचल गुड़ा भी भेजेंगे। आपने और हम सब ने मिलकर इस सुंदर शहर को अपने हाथों से संवारा है, सजाया है। आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमन चैन बिगड़े? बिल्कुल नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। और मुझे यकीन ही नहीं, आप पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के दंगाइयों के फैलाए हुए फेक न्यूज पर आप भरोसा नहीं करेंगे। आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो परचम है इसको और ऊपर ले जाना है, जिससे कि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगार बढ़े, और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आए और वेल्थ जनरेशन हो। हम और आप मिलकर हैदराबाद को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, यही हमारी उम्मीद है।